फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली के आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्ले अ सेफ एंड अ हैप्पी होली। सो हे गाइस, दिस इज कैफी एंड वाचिंग टेक्निकल कैफी यूट्यूब चैनल। सो पहली बात तो काफी ज्यादा लाउड स्पीकर बज रहे, तो थोड़ा साउंड में कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। आरबीआई की तरफ से बहुत ही बड़े बड़े अपडेट निकल के आए हैं। टोटल 3 अपडेट है जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप एक डेबिट कार्ड यूज करते हो या क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, तो आपको जो ये 3 अपडेट है ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो 16 मार्च 2020 के बाद से आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा। पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे। सो प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। लेटेस्ट ऑफर के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। चलिए आपको ये 3 अपडेट जो है पूरे डिटेल में समझा देते हैं, क्या है अपडेट, क्या कुछ यहाँ पे आपको करना होगा। देखिए, फ्रॉड चाहते आए दिन बढ़ते जा रहे, तो आरबीआई ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहला अपडेट तो यह है कि अगर आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू अब तक कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो 16 मार्च 2020 के बाद आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब देखिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बात ऐसा है ना कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है वो लोग ऐसे लोग हैं जो ज्यादा करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, या वो कट टू कट रहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि सिर्फ एटीएम पे जाते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं, ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। इसलिए उनको उतना नॉलेज नहीं होता, इसलिए उनका जो है फ्रॉड हो जाता है या उनका पैसा जो है स्टील कर लिया जाता है। तो आरबीआई ने यह अपडेट निकाला है कि जिन भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड में अब तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, उन लोगों का जो है 16 मार्च 2020 के बाद कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो एटलीस्ट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना भी डेबिट कार्ड है, अगर आप भूल गए हो, किए हो या नहीं किए हो, एटलीस्ट 10 रुपया का कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लो। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से मतलब है कि शॉपिंग करना या कहीं भी एड मनी करना। कहने का मतलब यह है कि डेबिट कार्ड का एक ऑनलाइन यूज कर लो, तो आप जो है पूरा सेफ रहेगा, आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे ब्लॉक नहीं किया जाएगा। ये सबसे पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट ये है, दूसरा अपडेट आरबीआई ने जितने भी बैंकिंग पार्टनर है सबको ये ला करके दिया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट बैंक हो गए, उन लोगों के जो है मैसेज नहीं आते हैं। जैसे कि आपने कहीं ट्रांजेक्शन किया तो तुरंत जो है मैसेज कट के नहीं आता है कि आपका जो इतना ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब कि आपको अपडेट नहीं मिलता है। तो उन सभी लोगों को ये चीज बोला गया है कि आप लोग अपना बैंकिंग सिस्टम ऐप का सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए। मतलब ऐसा करिए कि जैसे पैसा कटे, कस्टमर को जो है इंस्टेंट जो है ईमेल में उनके मैसेज में ये मैसेज आ जाए कि आपके अकाउंट में अब इतना बैलेंस बचा है, इतना ट्रांजेक्शन आपने इस जगह पे किया है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा आरबीआई ने शिकंजा कसा है सभी बैंक के ऊपर कि जो है आप लोग अपना सिस्टम को अपग्रेड करिए और ऐसा अपग्रेड कर दीजिए ताकि पैसा जैसे कटे आपके जो है कस्टमर के मोबाइल या ईमेल में वो चीज यहां पे दिख जाए। तीसरा अपडेट भी जो है बैंकिंग पार्टनर्स के ऊपर ही आरबीआई ने दिया है। उन्होंने ये बोला है कि आप अपने जितने भी ऑनलाइन ऐप्स है आपके बैंकिंग वाले, जैसे एसबीआई का यूनो है, एक्सिस का, सबका अपना ऐप है, उस पर जो है एक ऑप्शन ला करके दिया जाए जिसपे बोला जाए कि आप जो है अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ऑन ऑफ कर सको। इसका ये बेनिफिट होगा कि आप अगर ऑफ करके रखोगे तो आपसे कोई भी फ्रॉड होगा ही नहीं। अगर आप अपने ऐप के थ्रू ऑफ करके उसे रखते हो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को, तो आपसे कोई फ्रॉड नहीं होगा। फिर आप जब ट्रांजेक्शन करो तो उसे ऑन कर लो, वहां पे स्विच ऑन कर लो, तो फिर आपका क्रेडिट कार्ड जो है या डेबिट कार्ड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पे बहुत सारे ऐप में तो पहले से ये चीज अवेलेबल है लिमिट सेट करने का, कि आप जो है अपने लिमिट सेट कर लो कि आपको कितना ट्रांजेक्शन करना है, उसके थ्रू आप जो है फ्रॉड से बच सकते हो। जैसे कि मान करके चलो कि आप दिन भर में ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, तो आप अपना लिमिट जो है 1000 रुपए करके रखो, जिससे क्या होगा अगर आपका कार्ड कहीं चोरी हो जाता है या कार्डिंग होता है, तो ज्यादा से ज्यादा आपका नुकसान 1000 रुपया का ही होगा। या आप कहीं ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो तो वहां पे आप अपने ऐप को ओपन करके लिमिट को बढ़ा सकते हो। तो ये 3 अपडेट जो है आरबीआई की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है। तो मेक श्योर करना कि अगर आपको ये पता तो चल ही गया है, तो अपने फैमिली रिलेटिव से इस चीज को शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को पता भी चल जाए कि 16 मार्च 2020 के बाद से एटीएम या डेबिट कार्ड जो है वो ब्लॉक होगा अगर आपने ये सभी काम नहीं किया है। तो प्लीज इस वीडियो को जो अपने फैमिली रिलेटिव में शेयर कर दीजिएगा। यही थी आज की वीडियो। अगर नॉलेजफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।